परिवार दे विच उदो मातम छा गया जदो नौजवान की लाश भेत परे हालातों के घर चो मिली। जिया तुम दस दी कि यह मामला हलका खेमकरण अधीन पैंदे पिंड चेला विखे का है जिथे घर के नौजवान की भेत परे हालातों के लाश बरामद होंगी है। नौजवान की पछाण दीपक कुमार जिसकी उम्र 36 साल की सी। इस संबंधी जानकारी देते हुए मृतक नौजवान दीपक कुमार के भरा हैप्पी शर्मा और रविंदर कुमार ने दस कि वह खुद चेला कलोनी विखे ही रेंदे हैं और उन्होंने भरा भी इसी कलोनी के रहा है। उन्होंने दस कि पिंड के ही कुछ लोगों ने उन्होंने फोन करके दस कि तुहाडे घर की निकासी पाइप राही खून चल रहा है। तो जो वह पिंड चेला के घर जाके पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रसोई के उन्होंने भरा दीपक कुमार की लाश खून न लथपथ पई थी जिसकी जानकारी उन्होंने तुरंत पिखे पिंड की पुलिस में दी है। जिंदरा खोल के वेख्या मेरे ब्रदर की जी लाश आई कि सर मैं ही चेला कलोनी दे विच रहने सर। परिवार जो ਇਹਦਾ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਧਰ? ਡੈਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਰ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। उधर इस मामले संबंधी थाना भिखी पिंड के ASI लखबीर सिंह का कहना है कि पुलिस ने मौके से पहुंच के लाश को कब्जे के लैके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मृतक नौजवान की लाश देखने तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिवें उसने कोई जहरीली वस्तु निगल ली हो। कि परिवार के बयान कलम बंद करके 174 की कार्रवाई की जा रही है। सर एक पिंड चेले के एक घर के एक नौजवान की लाश बरामद हुई सर की मामला है? सर जी कल एक लाश है दीप कुमार की पिंड चेला वो घर की रसोई के मिली है जिस तो ज्यादा उन्हें कोई जहरीली चीज खाधी हो सकती 174 की कार्रवाई की जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने जो भी रिपोर्ट के मुताबिक जी अगली कार्रवाई। फिलहाल पीड़ित परिवार के मुताबिक नौजवान दीपक कुमार का विआह होया सी परंतु कई महीने तो दीपक कुमार ते उसकी पत्नी का घरेलू झगड़ा चल रहा सी जिस कारण उसकी पत्नी पेके रहिंदी सी ते दीपक कुमार पिंड चेला के घर विच इकला ही रहिंदा सी। आखिरकार नौजवान का कतल होया जां उस वल्लों खुदकुशी की गई है ये तो हुण पुलिस की जांच तो बाद ही सामने आएगा। स्काई न्यूज़ पंजाब के लिए खेमकरण तो रिंपल कोलन की रिपोर्ट।